आज लखनऊ में सियासी बैठकों का दिन है और दोनों अहम पार्टियां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की अहम बैठकें होने वाली हैं। एक तरफ चाचा भतीजे में किसकी चलती है ये देखना दिलचस्प होगा, तो दूसरी तरफ मायावती किसे नेता प्रतिपक्ष बनाती हैं ये देखने वाली बात होती है। सबसे पहले बात समाजवादी पार्टी की, जिसकी आज संसदीय बोर्ड की बैठक होने वाली है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। मसलन टिकट बंटवारा, दूसरे दलों से गठबंधन को लेकर चर्चा होगी। पार्टी आज इस बात पर भी चर्चा करेगी कि वर्तमान विधायकों को टिकट दिया जाए या फिर इनमें से किनके टिकट काटे जाएं। अखिलेश मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी बैठक में चर्चा होगी। हालांकि सबसे बड़ा फैसला कौमी एकता के विलय पर होगा, जिसमें यह अहम होगा कि चाचा शिवपाल की चलती है या फिर भतीजे अखिलेश की। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के लिए भी काफी अहम दिन है। आज मायावती की अध्यक्षता में बीएसपी विधायकों की बैठक होगी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होना है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने के बाद नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हो गया था, यानी कुल मिलाकर आज एसपी और बीएसपी दोनों के लिए काफी अहम दिन है। तो यूपी की राजनीति का आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है और ऐसे में एसपी और बीएसपी दोनों की ही आज बैठक बुलाई गई है। एक तरफ मायावती ने अपने विधायकों को तलब किया है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से पार्टी को छोड़ा है उसके बाद उस कुनबे को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है एक दलित चेहरा माने जाते हैं और ऐसे में कहीं वोट ना छिटके इसको लेकर पूरी पूरी कोशिश है अब मायावती की। इसी के चलते आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उधर अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो कौमी एकता दल के विलय पर आज अंतिम फैसला कुछ लिया जा सकता है इस बैठक में। और इसी के ऊपर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता लखनऊ से विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, यूपी की राजनीति के लिहाज से आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण, समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो कितने बजे बैठक शुरू होगी और क्या अपडेट्स हैं इसको लेकर? देखिए, 11 बजे सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की समाजवादी पार्टी की बैठक शुरू होगी और इसमें उसके लिए जो लोग जो नेता हैं वो यहाँ पहुँच गए हैं लखनऊ में। आज कई चीज़ों पर चर्चा होनी है। पहली तो कौमी एकता दल का जो विलय हुआ था उस पर मोहर लगाएगी संसदीय बोर्ड और ये तकरीबन तय है कि जैसा कि मर्जर हुआ था उस पर ही मोहर लगाई जाएगी। अखिलेश यादव की जो आपत्तियाँ थी उसको लेकर के मैनेजमेंट काफ़ी किया गया, उनको मना लिया गया है ऐसा इशारा मिल रहा है, तो उस पर मोहर लगेगी पहली बात। दूसरी बात, जो मौजूदा विधायक है समाजवादी पार्टी के उनमें से कितनों को टिकट दिया जाए या कितनों का टिकट काटा जाए इस पर भी महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में कुछ नए सदस्यों को भी जोड़ा जा सकता है। अमर सिंह और बेनी प्रसाद वर्मा, ये दो बड़े नेता हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी में शामिल होकर राज्यसभा पहुंचे हैं, तो इन दोनों को भी पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल किया जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिन पर आज चर्चा होगी। जी बिल्कुल विवेक, और अगर बीएसपी की बात करें तो आज मायावती की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है, विधायकों को तलब किया गया है, ऐसे में कहीं ना कहीं कोशिश पार्टी की अब ये है कि कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के नक्शे कदम पर और विधायक न चल दें, पार्टी को एकजुट करने की कहीं ना कहीं कोशिश है मायावती की तरफ से भी आप? जी बिल्कुल, एक तरह जी दिव्या बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की बात अगर बीएसपी की अगर हम बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य का विकल्प ढूंढने की कवायद शुरू हो गई है। आज सारे विधायकों को तलब किया गया है, यह भी पता चल जाएगा कि कितने विधायक बीएसपी में मायावती के साथ हैं या कुछ लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ छोड़कर अलग हुए हैं। ये सारी तस्वीर आज साफ हो जाएगी, क्योंकि नेता विधानमंडल दल भी है पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी जगह पर किसी न किसी को चयनित करना है जल्दी से जल्दी, वही लीडर ऑफ अपोजिशन भी होगा क्योंकि कुछ सेशन विधानसभा के अभी बाकी हैं, तो आज इस पर मोहर लगा सकती है मायावती और अपनी ताकत दिखाने की भी कोशिश करेंगी। काफी सारे ऐसे विधायक जिनको निकाल दिया था पार्टी ने उनसे संपर्क किया जा रहा है, एक विधायक को कल दोबारा से बीएसपी में शामिल करा दिया गया है। तो आज स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी महत्वपूर्ण दिन है, उनको भी अपनी ताकत का अंदाजा हो जाएगा कि उनके साथ कितने लोग हैं बीएसपी, खासतौर से विधायक, और मायावती को भी अंदाजा हो जाएगा। इस लिहाज से आज की यह बैठक काफी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपनी तरफ से एक चाल चल दी है, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है और यह कहा है उनकी तरफ से कि अगर कोई दूसरा बीएसपी का नेता विधानमंडल का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष के पास आता है तो पहले उनसे बात कर ली जाए। 11:30 बजे तक स्वामी प्रसाद मौर्य दिल्ली से लखनऊ आ जाएंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट यह है कि आज सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री ने एक बैठक बुलाई है और इस बैठक में जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है उसको भी आना होता है, तो ये देखना कि स्वामी प्रसाद मौर्य उसमें जाते हैं या नहीं जाते हैं, वो बैठक होती है या नहीं होती है, तो काफी सारी चीजें आज का दिन उत्तर प्रदेश में बीएसपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ये कहें कि एसपी और बीएसपी दोनों के लिए ही आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे में किस तरीके के फैसले लिए जाते हैं, क्या कुछ एजेंडा रहता है इस बैठक में, ये देखना दिलचस्प होगा। विवेक, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।
बीएसपी छोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का अगला ठिकाना कहां होगा, इसे लेकर सस्पेंस और गहराता जा रहा है। इस्तीफे के तुरंत बाद जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को निशाने पर लिया था और समाजवादी नेताओं से खुलकर मिले थे, उसने इन कयासों को हवा दे दी थी कि मौर्य का अगला ठिकाना समाजवादी पार्टी हो सकता है। मगर अब महज 36 घंटे में स्थितियां बदल चुकी हैं। समाजवादी पार्टी को जो मौर्य बीएसपी छोड़ने के बाद अच्छे लग रहे थे, अब मानसिक तौर पर डिस्टर्ब नजर आने लगे हैं। सवाल उठता है कि आखिर अंदर खाने ऐसा क्या हुआ जो अचानक से मौर्य को लेकर सियासी गणित बदल गया? क्या पर्दे के पीछे कोई सौदेबाजी हो रही है? वो कोई भी समझदार आदमी नहीं कहेगा, या तो उनके मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है तो उसका इलाज जरूरी है। सियासत में किसी के प्रति नजरिया नफे नुकसान के हिसाब से ही बनता बिगड़ता है। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है शिवपाल यादव का एक ताजा बयान, जिसमें अचानक से स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर तल्खी परवान चढ़ चुकी है। सवाल उठता है कि आखिर महज 36 घंटे में ऐसा क्या हो गया जिसके चलते शिवपाल यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक बीमार नजर आने लगे। वरना बीएसपी छोड़ने के साथ ही जैसा इस्तकबाल समाजवादी नेताओं ने स्वामी का किया था, उसने लगभग ये साफ कर दिया था कि स्वामी का अगला ठिकाना समाजवादी पार्टी ही होगी। सुनिए 22 जून के ये दो बयान। देखिए, अगर अच्छे आदमी को, तो मैंने पहले ही कहा है कि अच्छे सभी अच्छे आदमियों को हम अपनी पार्टी में ले लेंगे। अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो जाहिर है बहुत दुखी होकर, बहुत पीड़ित होकर कहा। वो क्या, वो आप लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? पार्टी ज्वाइन करने का ऐसा कुछ जा रहे हैं हम ज्वाइन कराने। इतना ही नहीं, 23 जून को जब सीएम अखिलेश यादव कैबिनेट की बैठक से बाहर निकले तो मीडिया के सवालों पर मौर्य की तारीफों के पुल कुछ इस अंदाज में बाधे थे। बहुजन समाज पार्टी छोड़ दिया, अब वो कहां जाएंगे, क्या फैसला लेंगे? लेकिन कम से कम मौर्य जी एक मजबूत नेता हैं, मौर्य जी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन गलत दल में हैं। वो बात साफ हो गई। मगर स्वामी प्रसाद मौर्य के दूसरे बयान ने सारा खेल खराब कर दिया है। मौर्य ने सबको हैरान करते हुए अपने नए बयान में समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी कह डाला। फिर क्या, शिवपाल भड़क उठे। वो कोई भी समझदार आदमी नहीं कहेगा, या तो उनके मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है तो उसका इलाज जरूरी है। अब सवाल उठता है कि आखिर बीते 3 दिन में किस तरह सियासी खिचड़ी पकी है? आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसने अचानक से यूपी के सियासी माहौल में स्वामी प्रसाद मौर्य के नए रुख पर सस्पेंस खड़े कर दिए हैं? आखिर मौर्य करना क्या चाहते हैं? क्योंकि ये लगभग तय माना जा रहा था कि बीएसपी से रुखसती के बाद मौर्य न केवल समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे बल्कि 27 जून के मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें जगह भी मिलेगी। तो क्या सौदेबाजी की सियासत में कोई पेच आ गया है? और अगर आया है तो फिर मौर्य का नया रुख क्या होगा? पहले सुनिए बीजेपी के यूपी अध्यक्ष का बयान। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। क्या फैसला, अभी उनका कोई प्रस्ताव भाजपा में शामिल होने के लिए नहीं आया है, अगर आएगा तो हम विचार करेंगे। असल में यूपी की सियासत में जो संतुलन समाजवादी पार्टी साधने में जुटी है, उसी संतुलन की कोशिश में बीजेपी भी है। केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी ने अगर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पेश किया है तो उसकी वजह यूपी के कुर्मी कुशवाहा मौर्य वोटरों को साधना है, जबकि एसपी भी अपने MY समीकरण में इस फैक्टर को भी फिट करना चाहती है। इस कोशिश में एसपी पहले ही बेनी प्रसाद वर्मा की वापसी करा चुकी है। सवाल उठता है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य से समाजवादी समीकरण गड़बड़ाने की वजह कोई खास सौदेबाजी है? शायद यही वजह है कि मौर्य ने अपने दूसरे बयान में समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी तो कहा मगर बीजेपी पर चुप्पी साध गए, जबकि इस्तीफा देते वक्त बीजेपी को मनुवादी कहा था और समाजवादी पार्टी पर चुप्पी साध गए थे। मौजूदा राजनीति की परिभाषा अगर आसान शब्दों में कही जाए तो सिर्फ इतना ही काफी होगा कि राजनीति में कोई नीति नहीं होती, कोई मर्यादा नहीं होती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शब्दों के मायने इस कदर नहीं बदलते और बयानों के सिलसिले इस कदर हंगामा खड़ा न करते। फिलहाल नई खबर यह है कि मौर्य बीजेपी और JDU दोनों के संपर्क में है। हालांकि यहाँ भी फैसला नफे नुकसान के आधार पर ही तय होगा। आखिर नेता प्रतिपक्ष जैसा हैवी वेट पद छोड़ने के बाद स्वामी कम में उम्मीद करें भी तो कैसे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। तो यूपी के चुनावी मौसम में सबकी नजर लगी है स्वामी प्रसाद मौर्य पर और हर कोई उनकी अगली चाल पर नजर गड़ाए हुए है। शिवपाल के अटैक से लेकर उनके अगले प्लान तक हमने बात की खुद स्वामी प्रसाद मौर्य से।
प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, हर कोई जानना चाहता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। मन की बात तो मन ही रहती है, वो तो कोई जान नहीं सकता जी। और जहां तक रही बात जानकारी करने की, ये तो इंतजार करना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं से राय करके बता दूंगा जी। तमाम लोग कह रहे हैं कि आप सपा के संपर्क में भी हैं, भाजपा के संपर्क में भी हैं, आज दिल्ली में भाजपा के बड़े नेताओं से आप लोग मुलाकात करेंगे। आप हवा हवाई बयानों से कोई मतलब नहीं है, और जिसमें कहीं कोई तथ्य न हो, सच न हो, केवल बकवास हो, हवा हवाई कयास हो, उस बयान का जवाब देना उचित नहीं। कुछ दिन पहले जो सर्वे हुआ था उसमें बीएसपी नंबर वन पार्टी बनकर उभर रही थी, आपके पार्टी से जाने के बाद कितना बड़ा झटका लगा है बीएसपी को? अभी तो मीडिया वाले बेहतर बता सकते हैं जी। तो जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उनका कहना है कि अभी वो बीजेपी के किसी नेता से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई बार जो कैमरे पर दिए गए बयान होते हैं वो सियासत में कुछ अलग बात रखते हैं, जबकि बिहाइंड द कर्टन बात अलग होती है। दिल्ली से कैमरामैन सुनील बिष्ट के साथ अनुराग चड्ढा, इंडिया 24/7। आने वाले कुछ दिनों में पंजाब की सियासत गरमाने के आसार हैं। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे पर आ सकते हैं, और इससे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर 3-5 जुलाई तक पंजाब दौरे पर रहेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब आम आदमी पार्टी की इकाई ने बैठक की, और पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के यूथ के लिए घोषणा पत्र मंथन हुआ। केजरीवाल 3 जुलाई को पंजाब पहुंचकर पार्टी का यूथ मैनिफेस्टो लॉन्च करेंगे। यूथ का जो मैनिफेस्टो है वो रिलीज होना है। यूथ डायलॉग पूरे पंजाब दे विच साड़ी जिहड़ी टीम ने, मैनिफेस्टो टीम ने कीता, गल्लां बातां नौजवानां नाल होईआं, उन्हां दीआं दुख तकलीफां सुणीआं, की चाहुंदे ने उह आम आदमी पार्टी की सरकार तो, ते की उहदे हल ने, क्योंकि जिथे समस्या हुंदी है उत्थे हल भी हुंदा। सो उन्हां नूं सारे चीज़ां नोट करके एक्सपर्ट्स दे नाल जिहड़ा असीं बैठे, चीज़ां नहीं लिखांगे, शेख चिली दे सुपने नहीं दिखावांगे, असीं मैनीफेस्टो दे विच जो भी लिखांगे उह करांगे, जो करांगे उही लिखांगे। केजरीवाल के इस दौरे से साफ है कि इस बार नजर पंजाब के युवाओं पर है, क्योंकि अपने दौरे के दौरान अमृतसर में केजरीवाल युवाओं से रूबरू होंगे। इस कार्यक्रम में पंजाब भर से करीब 4,000 युवाओं को बुलाया गया है, जो कि केजरीवाल के साथ सीधा इंटरैक्ट करेंगे। आपको बता दें कि पार्टी इससे पहले भी प्रदेश भर में पंजाब डायलॉग आयोजित कर चुकी है। केजरीवाल जी जदों असीं बुलावांगे पंजाब आउणगे, साडे राष्ट्रीय प्रधान ने, ते स्टार प्रचारक ने साडे, ते पहला भी 5 दिन पूरे पंजाब दे विच गेड़ा कढ के गए सी। मैनीफेस्टो रिलीज कर लिया, अमृतसर साहब दी पवित्र धरती तों असीं करांगे। आपको बता दें कि पार्टी इससे पहले भी प्रदेश भर में पंजाब डायलॉग आयोजित कर चुकी है। विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीनों का समय है, ऐसे में पंजाब में आम आदमी पार्टी अपनी सियासी गोटियां फिट करने में लगी है, लिहाजा पंजाब के राजनीति माहौल में केजरीवाल का दौरा सूबे का सियासी पारा और चढ़ा देगा। पंकज कपाही, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।